अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत लेते हुए आज निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली 8 पॉइंट ऊपर की तरफ। 11,670 की ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। ओपनिंग के बाद से ही मार्केट में एक उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा और निफ्टी ने जो यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है वो 25 पॉइंट ऊपर की तरफ की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। 11,687 की क्लोजिंग यहाँ दिखाई है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 165 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया 30,735 की। यहाँ पर आज PSU बैंक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, उसको सपोर्ट करते हुए आज FMCG एंड मीडिया सेक्टर दिखे। वहीं अगर नेगेटिव साइड की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर यहाँ पर एक नेगेटिव वे में ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया, जिसमें आइशर मोटर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। तकरीबन 3% की गिरावट आइशर मोटर में देखी गई थी। अगर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की हम बात करें तो निफ्टी 50 में से 21 शेयर ऐसे थे जो एक पॉजिटिव वे में ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दिए हैं और वहीं 27 शेयर एक नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं और दूसरी तरफ 2 शेयर अनचेंज वे में क्लोजिंग दिए हैं। अगर यहाँ गेनर्स एंड लूजर्स की हम बात करें तो जो गेनर साइड में स्टॉक्स थे वो थे आईबुल हाउसिंग फिनांस UPL 3% ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिए हैं, हिंदालको SBI एंड कोटक बैंक 2 से 2.5% ऊपर की तरफ देखने को मिले। वहीं यहाँ का लूजर साइड में हम बात करें तो यस बैंक 5% नीचे की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, आइशर मोटर जैसे कि मैंने बताया 3% नीचे की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, गेल ONGC एंड NTPC ये यहाँ पर एक नेगेटिव वे में ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनता है निफ्टी का वो आता है 11,620 का और ऊपरी जो रेजिस्टेंस बनता है वो आता है 11,650 का।